सुबह की धूप चल रही थी, मैं बारिश में नहाया और फिर दुकान पे गया। जैसे ही मैं दुकान पे गया, मैंने वहां पर देखी स्टिंग का क्रेट आ चुका। स्टिंग इस बार रेड नहीं बल्कि ब्लू थी। मैंने तभी से सोच लिया, नाउ दिस इज टाइम टू गिव यू अनदर कंटेंट। अब करते हैं एक न्यू कंटेंट की। तो मैंने फौरन से घर जाके अपना रूम सेट किया, लाइटनिंग सेट की, कैमरा सेट किए और फिर मैं चला आया आप लोगों के पास, अपने ऑडियंस के पास। Assalamualaikum, this is Samir Ashik and we are here to another content. Basically, this is our stringer content है, intro आपने देख लिया है। Content start करने से पहले मैं आपको जरा Insta की एक reel दिखा दूँ जो कि मैंने string पे ही बनाई है basically। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप मेरे Insta की reel string देखते हैं तो जाके उसे follow कर दें _Samir Ashik से। मैंने foreign reel बनाई है, सबसे पहले उसे देखते हैं, और उस चीज़ पे बात करते हैं सबसे पहले इंस्टा वाली रील पे, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल रील यहाँ पे प्रैक्टिकल व्लॉग बना के दिखाऊंगा। स्ट्रिंगर क्रेट भी मेरे पास यहाँ पे पड़ चुका है, स्ट्रिंगर क्रेट मेरे पास है प्रैक्टिकल, ये आप देख सकते हैं। स्टिंग का ब्लू स्टिंग आ चुकी है और पहले रील देख लेते हैं फिर उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं कैसी है, ग्लास में डाल के देखते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके स्टार्ट। सुबह सिंध के शहर कराची में रहते हो, गर्मी तो होगी, ऊपर सर पे सूरज भी होगा। बेसिकली वो दिन में बारिश लाई था। स्ट्रिंग ब्लू 70 रुपए निकाल के तुम्हें इस स्ट्रिंग को खरीदना पड़ेगा। ढक्कन ऐसे खोलो जैसे किसी की यादों को खोल रहे हो, पियो ऐसे जैसे 27 दिन के प्यासे हो। इसके पीने के बाद जैसे चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड, वैसी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फील्ड निकलेगी जो कि सीधा ऊपर आसमान पे जाएगी बादलों के पास। अकॉर्डिंग टू साइंस मैं आपको समझाता हूँ, स्ट्रिंग फील्ड ऊपर जाके बादलों में से मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करवाएगी और नीचे बारिश बरसाएगी, और नीचे अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो भी गई। तो मेरे शहर में तो बारिश हो गई, अब तुम्हारी बारी, स्ट्रिंग पियो और बारिश करवाओ। बेसिकली मेरे रील का जो आइडिया था, मैंने कहा थोड़ा ना कुछ ऐसे अलग करके देखते हैं, हर बार जो है नॉर्मल रील क्यों बनाई जाए बंदा, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा अलग करके देखते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं स्ट्रिंग से ही, हमेशा स्ट्रिंग के ऐड में बंदा कभी एस्केलेटर ऑन कर देता है। मैंने पिछले ऐड में देखा स्ट्रिंग रेड आके बंदा लिफ्ट नहीं चल रही तो उसने हाथ लगाया लिफ्ट को, पाँव मारा, किक मारी, करंट आ गया लिफ्ट में और स्ट्रिंग से करंट आ गया। तो मैंने कहा इस बार मैं भी थोड़ी क्रिंज वाली हरकत ना करके देखता हूँ कैसा फील होता है। तो फिर मैंने ये वाली सीन की, अच्छा ये वाली जो वीडियो थी जो कि बादल वाली है, मैंने ये यूट्यूब से आगे नॉन कॉपीराइट वाली उठा के उस पे स्टिंग का टैग लगा के मैंने सारा बना दिया। रील मुश्किल से 40 सेकंड्स की थी और वो माशाल्लाह से वायरल हो गई। और तो और सिर्फ रील मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डालता, मैं टिकटॉक्स पे भी डालता हूँ, समील शेख व्लॉग मेरा वहाँ पे _Samir Ashik मेरा वहाँ पे भी अकाउंट है। फेसबुक पे भी डालता हूँ समील शेख व्लॉग मेरा वहाँ पे भी अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे तो है ही आपको पता है _Samir Ashik मेरी ऑडियंस है। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग के रिव्यू की। क्रेडिया आ चुका है स्ट्रिंग का रिव्यू। तो जो भी न्यू वराइटीज़ होती है ना, तो उसके उसके रील्स भी आती है हमारे पास और उसके रिव्यूज़ भी आते हैं। बेसिकली ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग ब्लू। इस बार इसका जो फ्लेवर है वो ब्लू थंडर है। पिछली बार भी कोई फ्लेवर वैसे होता नहीं है स्ट्रिंग का, ये एक एनर्जी ड्रिंक होती है। रेड का फ्लेवर नहीं है, गोल्डन का भी फ्लेवर नहीं है। स्ट्रिंग की तीन आती हैं, रेड, गोल्डन एंड दिस इज ब्लू नाउ आई है। इतने बेसिकली शक्ल से ना ये लिमका जैसी लगती है कि यार लिमका है, या फिर ये कोई बबल गम फ्लेवर है। बबल गम तो नहीं क्योंकि स्ट्रिंग और एनर्जी का बबल गम से कोई ताल्लुक नहीं होता हमेशा। येलो बहुत अच्छी है इसकी, रेड तो, लेकिन ब्लू कैसी है वो हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं, बस मेरे पास है इसी डाल के देख लेता हूँ कैसी है ये। हर चीज़ का रिव्यू जो होता है 500 ml में आता है, लेकिन इसका मैंने इस बड़ी पैक में क्यों दिया था 45 ml का, क्योंकि इसकी 500 ml अभी आई नहीं है, जिस वजह से मैंने आपको ये दिया है। वरना आपको तो पता ही है कि मैं जो सारे रिव्यूज़ देता हूँ उसकी लार्ज क्वान्टिटी होती है। जैसे 7 up का मैंने दिया था उसकी लार्ज थी, किनौर का लिया था 18 किनौर लिए थे मैंने वहाँ से। तो भाई ये आ चुका है स्ट्रिंग ब्लू थंडर। अब मैं ये देख रहा हूँ क्या इसके पीने से मुझे करंट आएगा, क्या इसके पीने से मैं अगर मॉल में जाऊँ लिफ्ट एस्केलेटर अगर स्टॉप हुआ हुआ मैं लात मारूँ तो क्या लिफ्ट ऑन हो जाएगी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। इस वजह से मेरे पास तो सब कोई एस्केलेटर नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास जो है वो पंखा है जो इस मैंने बंद किया है ताकि मेरा साउंड सिस्टम जो है बिल्कुल अच्छा है। क्या इसको पी के मैं वहाँ पर हाथ मारूँ करंट वहाँ पर पास हो जाए और पंखा चलेगा, ये मैं ट्राई करके देखूंगा। भाई स्क्रीन चली हरकतें तो आपका भाई करता ही है, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको मैंने बताया ना बारिश करवा दी थी मैंने ऊपर से, अस्तग़फ़िरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह करवाता है बारिश। लेकिन मैंने कुछ हरकतें ऐसी की थी जो इस पेप्सी पाकिस्तान को बाकायदा मैंने टैग भी किया था कि वो लोग जो ऐड दिखाते हैं इतना पैरेलल यूनिवर्स में ऐड नहीं दिखाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको पीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबल गम का टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, तो इस पॉइंट से तो दूर ही हो जाओ।
इसको तो लेफ्ट कर दो, बबल लेफ्ट द चैट, ओके। बाकी जो टेस्ट है ना वो सोडा का है, वो जो है ना लिमका का है, ऐसा टेस्ट है, गैस फुल है, बहुत अच्छी है। येलो से अच्छी मुझे ये लगी है गाइस, लिमका का है, सोडा का है। बाकी जो टेस्ट है ना वो मुझे येलो से भी अच्छा लगा, आई मीन गोल्डन, वो बहुत अच्छा है। रेड से मैं दोबारा इसको पी के देखता हूँ, अगर रेड से मुझे अच्छा लगा। बाकी गोल्डन से तो ये जीत चुकी है ब्लू वाली, ये मैं आपको बता दूँ। नहीं रेड से तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गोल्डन से बहुत अच्छी है, ये बता दूँ। ब्लू वाली ने कमाल कर दिया है भाई, ब्लू जो स्टिंग है ना दैट इज अमेजिंग। लेकिन मैं रेड पे इसको तरजीह दूंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगेगी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जब आप स्पोर्ट्स पे कहीं जा रहे हो तो मैं इसको ज़रूर पीऊँगा इस, क्योंकि रेड जो है हर वक्त आपको अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से आप कभी पेप्सी पीते हो, कभी डी हो, कभी सेवन अप। लेकिन ये जो है ना कमाल कर दिया पेप्सी वालों ने इस बार ब्लू स्टिक निकाल के। पिछली बार भी ड्यू ब्लू निकाली थी, लेकिन वो उसका टेस्ट जो था बबल गम जैसा था, बेकार था। तो लेकिन ये जो है ना ये बहुत अच्छी है। पिछली बार मैंने सेवन अप को ना बड़ा रोस्ट किया था, पेप्सी कंपनी की सेवन अप स्ट्रॉबेरी वाली, वो बहुत बेकार बनाई है उन्होंने। और किन्नौर को मैंने बहुत रोस्ट किया था, ग्लेज़िन वाला ग्राम हिंदी को भी बना दिया था। लेकिन इस बार मैं इसको रेट बहुत अच्छा करने वाला हूँ। 3, 2, 1 गाइस बहुत अच्छी है वाकई में। बेसिकली आपको लग रहा होगा कि ये स्पॉन्सर्ड हुई भी होती है, नहीं मेरे रिव्यू स्पॉन्सर्ड नहीं हुए हुए होते, ये मैं आपको बता दूँ। अगर स्पॉन्सर्ड हुए भी होंगे ना कभी फ्यूचर में, मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, मेरी अपनी ऑडियंस को सब पता है। लेकिन मुझे पता है कि एडिटिंग नहीं आई है, तो न्यू ऑडियंस भी मेरी वीडियोस देखेगी अभी। तो मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ ऑनेस्ट रिव्यूअर हूँ, जो भी होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बहुत लोगों की बेइज्जती की, किन्नौर ब्लेज़िन की मैंने बहुत बेइज्जती की, अभी भी मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो बहुत सारे रिव्यूज़ आए थे उस पर, कॉमेंट्स तो भाई सब मेरी दुआएँ कर रहे थे, भाई आपने बिल्कुल सही किया गालियाँ तो हमें भी देना चाह, हम भी देना चाह रहे थे रामेन की कॉपी पर इन्होंने बनाया। लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है किन्नौर में। तो भाई लेकिन स्टिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है, स्टिंग लव इट, जस्ट मैं इसको पूरा पी के रहा। अब ट्राई करते हैं कि क्या मेरे अंदर करंट आता है, ऐसा कुछ फील तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कोई करंट नहीं आया, कोई करंट नहीं आया, कोई करंट नहीं आया। अब मैं आपको बोलूँ मैं कैमरा स्टॉप कर दूँ, फिर पंखा चला दूँ, मैं ऐसे करूँ, और फिर एडिटिंग में मैं फुल मतलब वो रेडियो एक्टिव रेज ला दूँ यहाँ से, जैसे मैंने रील में किया। मैं आपको एक रील दोबारा दिखा देता हूँ मैंने कैसे स्ट्रिंग से वो फिर मैं स्ट्रिंग फील गई ऊपर आसमान पर दिखा देता हूँ, सीधा ऊपर आसमान पर जाएगी बादलों के पास। अकॉर्डिंग टू साइंस मैं आपको समझाता हूँ, स्ट्रिंग फील्ड ऊपर जाके बादलों में से मॉडल, तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे अक्सर कर सकता था कि मैं फैन ऑन कर दूँ, मैं शो लगा दूँ स्ट्रिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर पंखे को ऑन कर दूँ। लेकिन मुझे क्रिंज हरकतें जो होती है ना मेरे इंस्टाग्राम पे फॉर कॉमेडी पर्पस है, यहाँ पे जो यूट्यूब पे हूँ मैं ऑनेस्ट रिव्यूअर हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू करता हूँ मैं सारी चीज़ों का। तो फिर यहाँ पे मैं ऐसी क्रिंज हरकतें नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऑनेस्ट रिव्यूअर हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सख्म कर दिया है। अब बारी है इसके रेट की, मैं इसको 10 से कितना रेट दूंगा। बेसिकली मैं इसको दे रहा हूँ 8 out of 10। जी हाँ गाइस ये बहुत अच्छी 8 out of 10। अक्सर मैंने जिंदगी में आई थिंक 8 out of 10 मैंने किसको दिया है, अभी तक मैंने किसी को रिव्यू को भी नहीं दिया 8 out of 10, किसी प्रोडक्ट को मैंने नहीं दिया, लेकिन इसको मैं दे रहा हूँ गाइस। अगर मैंने दिया तो फिर मुझे आप कमेंट बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज कर चुका हूँ। अगर मैंने दिया तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं पहले के ऑडियंस जो है वो मुझे बता दे कि मैंने किसको दिया है। लेकिन अभी तक मुझे ये बहुत अच्छी लगी है गाइस, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ये अभी तक बहुत अच्छी लगी है। तो अभी यहाँ पे मेरा रिव्यू होता है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। इंस्टाग्राम पे मेरी कॉमेडी रील्स बनती हैं, वहाँ पे मैं बहुत डिफरेंट कॉन्टेंट लाता हूँ। यूट्यूब पर मैं डाल देता हूँ कभी कभी शॉर्ट्स, लेकिन यो इंस्टाग्राम की रील वाली, लेकिन कभी कभी यूट्यूब पर मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन इंस्टाग्राम पर मेरा बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनता है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर मैं यही वाली व्लॉग्स डालता हूँ, आप वहाँ पर मेरा पेज देख सकते हैं। टिकटॉक तो मेरा बना हुआ ही है, सबका बना हुआ है बेसिकली। और यहाँ पे मेरा वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी अनदर व्लॉग में।